वेलकम टू द चैनल, स्वागत है आप सभी का। आज चिकन बनाने जाएंगे एक दूसरे तरीके से। पिछली बार हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी, इस बार जो हम चिकन बनाने जाएंगे उसमें आमतौर पे ढाबे वाला स्वाद आएगा। दही लेना है, इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं मैरिनेशन के लिए। इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल विथ क्वांटिटी देखने के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें, तभी आपका क्वांटिटी सही रहेगा तो ही आपका टेस्ट डेवलप होके आएगा। इस तरह से हमने मैरिनेशन रेडी करना है। स्लाइस टोमेटोज कट लगाना है चिकन पीसेस में, अच्छे से मैरिनेट करके फ्रीज़र या फ्रिज में रखना है इसे कम से कम आधे घंटे। तैयारी करके रखेंगे हम लहसुन प्याज अदरक टमाटर, जो आमतौर पे हर एक डिशेस के लिए मोस्टली की जाती है। तेल लेना है हमें 1 कप और घी, दोनों का मिक्सचर जो है वो 1 कप होना चाहिए। गरम करने के बाद इसमें घी जब डाला हमने, उसके बाद लहसुन को भूनेंगे। हल्का ब्राउन होने पे प्याज डाल के इसे अच्छी तरह से भूनना है। क्रिस्पी लाल होने तक प्याज को हमें भूनना है, अच्छा टेस्ट डेवलप तभी होगा। ये देखिए प्याज भूनता जा रहा है। कैरमलाइज होने के बाद इसे एक बड़े जार में लेकर के इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के समय हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे, जिससे टेस्ट और उभर के और डेवलप होके आएगा। ये हमने चिकन निकाला और चिकन के एक एक पीसेस हम पहले तेल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के फ्लेवर डेवलप करेंगे और फिर एक एक पीसेस उसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और बचा हुआ मैरिनेशन भी उसमें डाल के प्रॉपरली उसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद कलर बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं, गोल्डन कलर आया हुआ है, जो रेस्टोरेंट में मोस्टली ढाबे में या अच्छी जगहों पे आता है। प्याज के मिक्सचर में खड़े मसाले डाल करके हमें अच्छा बारीक फाइन पेस्ट तैयार करना है, जिसे हम बाद में चिकन में ऐड करेंगे। ये देखिए ग्राउंड करने के बाद बेहतरीन पेस्ट रेडी है और ये देखिए उबाल आ रहा है। टमाटर ऐड करेंगे इस समय और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। टमाटर पकने तक इसे मिक्स करना है अच्छे से, गल जाने चाहिए पूरे टमाटर, तभी ग्रेवी का स्वाद में मज़ा आएगा। ढक के इसे मीडियम हाई फ्लेम में पकाना है और हरी मिर्च डालना है थोड़ी देर के बाद। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देना है, कसूरी मेथी पाउडर भुना हुआ। होल रेड चिली राउंड वाले और धनिया पत्ती पहले डाला जाता है ताकि उसका फ्लेवर ग्रेवी और डिश में पूरा उभर के आए। तरी अगर आपको ज़्यादा लगानी है तो 1 कप से 1.5 कप पानी डाल के तेज़ आंच में इसे पकने दीजिए। अच्छी तरह से सारे मसाले आपस में चिकन के साथ मिक्स होके फ्लेवर भर देंगे चिकन। बेहतरीन कंसिस्टेंसी आपको डेवलप करनी है यहाँ पे, ताकि खाते समय मज़ा आए, टेस्ट आए। ये देखिए आपका चिकन ढाबा स्टाइल वाला ग्रेवी तैयार हो चुका है। गोल्डन कलर की रंगत आएगी एकदम होटल जैसे, रेस्टोरेंट जैसे, और स्वाद तो तभी आपको पता चलेगा जब आप इस डिश को बनाएंगे। पिछले वाले चिकन का टेस्ट अलग था, इस वाले चिकन का टेस्ट यकीनन अलग ही होगा। और आने वाले समय में जो भी मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ जो है उसके टेस्ट डिफरेंट रहेंगे। आपको मज़ा आएगा, लज्जतदार खाना बनाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें। रेसिपी ट्राई करिए, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। ऑल ओवर इंडिया अब तो कहीं भी बैठ के इस चैनल को देखा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे।